अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल हिलाल रिस्क। तो आज की वीडियो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप सबके सवालों के जवाब दिए जाएंगे आज की वीडियो में, जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में मुझसे पूछा था, जो कि रिलेटेड थी अमेज़न वीडियो कॉल वेरिफिकेशन। सारे क्वेश्चन आपके वैलिड हैं, एक एक का जवाब तफसीली मिलेगा आपको इस वीडियो में। जिनको जो अपना अमेज़ोन पे काम करना चाह रहे हैं या अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं, या अपना अकाउंट ओपन करके करने के बाद कोई उनको हर्डल्स आ रही हैं, उन सब का सवाल आपको इस वीडियो में देने की मैं कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो मुकम्मल देखिए, आपके एक एक सवाल का जवाब मिलेगा। तो मैंने रिसेंटली जो वीडियो अपलोड की थी अमेज़ोन वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के रिलेटेड, तो आपने काफ़ी देखी लोगों ने, और उसी पे मुझे रिव्यूज़ कमेंट किया कि सर इसका सवाल का जवाब दें। तो आज आपके उन सवालों के जवाब देते हैं, तो तैयारी पकड़ लें। तो पहला सवाल है बींग मी की तरफ से, थैंक यू सर, क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू बींग, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो थैंक यू। मेरा सिर्फ यही मकसद है कि लोगों की जितनी हेल्प हो सके, कोई मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, मुझे कुछ शौक है इन चीज़ों का, तो अगर आपको हेल्प मिली है तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू वेरी मच। कमरान, थैंक यू फॉर द इंसाइटफुल वीडियो, बट ए सिंसियर एडवाइस फॉर यू इज टू रिमूव दिस इंटरव्यू रिकॉर्डिंग पार्ट फ्राम द वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। अमेजोन क्लियरली मैंशन नॉट टू रिकॉर्ड इट, अदरवाइज यू विल बी बैन फॉर एवर। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू। तो कमरान भाई, मैंने आपकी बात मान ली थी, माननी क्या थी, आपकी इसी कमेंट के बाद ही अमेजोन ने मुझे ई मेल्स करनी शुरू की हैं, और मेरा अकाउंट भी बैन हुआ था इन्हीं चक्करों में, वो वीडियो मैंने निकाल दी है। काफ़ी लोगों का सवाल था कि सर वो वीडियो आपने किधर की है, तो भाई वो अमेज़ोन की ने मुझे कॉल की थी कि वीडियो रिमूव करें, अदरवाइज़ आपका चैनल रिमूव कर दिया जाएगा, तो उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट की जाएगी। तो मैंने वो फिर वीडियो रिमूव कर दी थी, तो यही था। उसके बाद नई वीडियो अपलोड की है, उसमें सारी तफसील बताई है, कैसे सवाल हैं, कैसे जवाब हैं, पूछे जाएंगे किस तरह उन्होंने मुझसे बात की थी। तो क्वेश्चन अगला लेते हैं जी, व्हाट वर द क्वेश्चन दैट आस्क्ड यू। तो रिएक्शनिस्ट मैंने पहले भी बताया है कि उन्होंने पूछा आईडी कार्ड का और बैंक स्टेटमेंट का, और फॉर्मली उनसे मैंने बात की, और उसके बाद मेरा अकाउंट ओपन हो गया। यही दो तीन सवाल थे उनके, और कुछ भी नहीं था, कोई लॉजिक नहीं थी, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इजीली ये टेस्ट पास कर लोगे। अच्छा जी, अगला सवाल है आलम। आलम पूछ रहे हैं, थैंक यू सर, वेरी यूजफुल, आई अप्रिशिएट यू, थैंक यू आलम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, रबिशेन फॉर एवर दिस वीडियो मेड माई डे, थैंक यू सर, तो थैंक यू। और आपको वीडियो अच्छी लगी है, आई रियली अप्रिशिएट। अच्छा जी, एंड्रयू, हेलो सर, कैन आई कॉन्टैक्ट यू समवेयर, आई हैव वन क्वेश्चन ऑन यू इफ पॉसिबल प्लीज। सो एंड्रयू, इट्स नॉट पॉसिबल टू कॉन्टैक्ट मी राइट नाउ। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू अमेजोन सेलर सेंटर और वीडियो कॉल वेरीफिकेशन, यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, थैंक यू। अच्छी, मैडी, आई हैव अ सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक इन माई बैंक स्टेटमेंट विच आई टोल द बैंक, बट दे सेड इट कैन बी चेंज नाउ, विल माई स्टेटमेंट बी एक्सेप्टेबल इफ आई अपलोड दैट स्टेटमेंट विद एग्जैक्ट एड्रेस वाइल अपलोडेड ऑन अमेज़न सेलर सेंट्रल। तो मैडी, इट्स इम्पॉसिबल, इवन अमेज़न एम्प्लॉय विल नेवर रिप्लाई यू। तो कोशिश मत कीजिएगा, अगर बैंक स्टेटमेंट ज़रा सी भी मिस्टेक है तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अगर बैंक स्टेटमेंट में कुछ और नाम है आपका, और आईडी कार्ड या पासपोर्ट पे कोई और नाम है आपका, तो अमेज़ोन आपका ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप ये बात जहन में अपने रखिएगा कि ये दोनों चीज़ें आपकी मैच करनी चाहिए, या तो आप अपना अनदर अकाउंट खोलें उससे रिलेटेड लेके बैंक स्टेटमेंट, तो ही अमेज़ोन एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज़ वो आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, और आपको इवन कि आपको वो इंटरव्यू के लिए भी कॉल नहीं करेंगे। सो थैंक यू सवाल के लिए। अच्छा, यमाद खटंग, ब्रदर, मास्टर कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क होता है, हम तो मास्टर कार्ड थ्रू क्रेडिट और डेबिट दोनों कर सकते हैं, तो मैं फ़र्क है। अच्छा जी, हमाद का क्वेश्चन है, सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास्टर कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो हमाद, मेरा रिप्लाई कुछ इस तरह है, मास्टर कार्ड और क्रेडिट कार्ड में कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क है, कुछ फ़र्क नहीं है। मास्टर कार्ड होता है, आप किसी भी बैंक अकाउंट में अगर अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाने गए हैं, तो वो साथ ही कहते हैं जी आप मास्टर कार्ड के लिए भी अप्लाई कर दें, जो कि आपको चेक बुक के साथ जब आपका अकाउंट एक्टिव होता है तो मिल जाता है। और मास्टर कार्ड जो आपका है,
वो भी आपको उसी वक्त मिल जाता है चेकबुक के साथ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये देते हैं बैंक वाले, इसमें कोई आपके चार्जेस नहीं आते। जबकि क्रेडिट कार्ड वो आइटम है, क्रेडिट कार्ड में आपको बहुत से एडवांटेज भी मिलते हैं। एडवांटेजेस में इसमें ख़ास तौर पे कुछ इस तरह हैं कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो आपको वो लोन देता है बैंक, लेकिन उसके लिए आपको वैलिड आपकी इनकम के ज़राए शो करने पड़ते हैं कि आपके पास अच्छा खासा पैसा है, अदरवाइज़ वो क्रेडिट कार्ड आपको इशू नहीं करते। अगर आपका कोई बिजनेस है रजिस्टर्ड है तभी वो क्रेडिट कार्ड आपको एक्टिव करते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि वो आपको लोन दे देते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो वो फिर एक मंथ बाद एक दो तारीख को वो आपका वो जो दिया हुआ लोन वापस आपके बैंक अकाउंट में से काट लेते हैं। तो ये फ़र्क है मास्टर कार्ड और क्रेडिट कार्ड में। अच्छा, ज़रूर रॉक स्टार सो आर सेइंग दैट दे विल ओनली आस्क यू अबाउट योर नेम, योर आइडेंटिफिकेशन एंड बैंक अकाउंट डिटेल, राइट? नथिंग एल्स? यस, 100% राइट ज़रूर, नथिंग एल्स। वो आपको यही चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं उनको, और उसके बाद वो आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। अच्छा जी, अब्दुल्ला बिन वहीद, इंटरव्यू वीडियो इज़ नॉट फुली अपलोडेड, डू यू प्लीज़ सेंड मी वीडियो पर्सनली, आई एम गोइंग टू गिव इंटरव्यू टू अमेज़न ऑन थर्सडे, दिस थिंग हेल्प मी। सो अब्दुल्ला, आई कांट हेल्प यू, आई कांट सेंड यू दिस वीडियो पर्सनली। आगे ही अमेज़ोन मेरा अकाउंट बैन कर चुकी थी, जो कि मैंने बहुत मुश्किल से वेरीफाई करवाया है। वो वीडियो अपलोड करने के चक्करों में जो मैंने अपलोड कर दी थी, बाद में मैंने रिमूव की है, वो भी अमेज़ोन की रिक्वेस्ट पे, अदरवाइज़ वो मेरा YouTube चैनल भी बंद करवाने वाले थे। तो मैंने बाद में, भाई वो तो इसके लिए ये तो पॉसिबल नहीं है, दोबारा वीडियो देखो जो मैंने अपलोड की है, सिंपल क्वेश्चन आंसर वो जो पूछते हैं, आप लाइक करो, इजीली आप कर सकते हो सारा कुछ। तो थैंक यू। अच्छा जी, इलियास अहमद, थैंक यू सर, थैंक यू इलियास अहमद। हाफिज़ अवैस, वेरी हेल्पफुल वीडियो, थैंक यू हाफिज़ अवैस, थैंक यू फॉर दिस। ताबिश प्रिंस, थैंक यू ताबिश, गॉड ब्लेस यू। उसके बाद अरबाब अहमद का सवाल है कुछ इस तरह के, ग्रेट वीडियो सर, इफ दे आस्क मी अबाउट माय कंपनी बट आई डोंट हैव एनी कंपनी सो व्हाट आई डू। यार ये क्या सा सवाल है आपका, चलो सवाल किया जवाब देते हैं। कंपनी का वो क्यों पूछेंगे, दे विल नॉट आस्क यू अबाउट योर कंपनी, सो डोंट वरी, डोंट बी पैनिक। तो कंपनी का वो कभी भी नहीं पूछते, ज़्यादातर बंदे होलसेल करते हैं, प्राइवेट लेबल करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कंपनी का वो प्राइवेट लेबल करते हैं, वो चाइना से माल सोर्सिंग करके उठा के उधर सेल कर रहे होते हैं, तो ऐसा कोई चक्करों में ना पड़े कंपनी के बारे में। तो पहली बात, आपके अकाउंट ओपन करने के लिए किसी कंपनी का आपसे नहीं पूछेंगे, थैंक यू। अच्छा, इटालो ब्यूटी, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू इटालो। अच्छा जी, ब्रेन ओर्टिगा, When I click on the link, it says invalid your request link from client. Do I need wait for them to send another link? तो ये कोई नहीं होता, अपडेट होता रहता है, इसके बारे में कोई बड़ी चीज़ नहीं है लिंक के बारे में। तो आप दोबारा ट्राई करते रहें, ये हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको ईमेल सेंड करनी पड़ेगी अमेजन सेलर सेंटर को, वो आपको फिल फॉर रिप्लाई भी कर देंगे। अच्छा जी, हसन जानी, वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू हसन जानी। मोहम्मद उस्मान, बहुत खूब सर, आपने तो मेरी टेंशन फिनिश कर दी, थैंक यू मोहम्मद उस्मान फॉर अप्रिशिएटिंग मी। अच्छा जी, फरीद जान, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अदील, नो कंप्लीट वीडियो, प्लीज़ पोस्ट वीडियो कॉल। अदील अशरफ, आई कांट पोस्ट वीडियो कॉल, पहले मैंने अपलोड की थी बट अमेजोन ने मुझे थ्रेट किया कि आपका अकाउंट डीएक्टिव हो जाएगा, फिर मैंने इससे रिलेटेड दोबारा वीडियो अपलोड की, आप जाके देख सकते हैं चैनल पर। तो मुकम्मल वीडियो फिर दोबारा मैंने अपलोड कर दी, लेकिन वो इंटरव्यू के बगैर, तो आप दोबारा देख लें, थैंक यू। अच्छा जी, डेटा ब्रैनरी, डिड दे आस्क अबाउट द पासपोर्ट इन क्वालिफिकेशन और नॉट दे? तो यार वो इसके बारे में नहीं पूछते, दे डोंट आस्क यू अबाउट योर पासपोर्ट। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब आप वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं आपके अमेज़ोन पे जाके, तो आपने उधर अपना पासपोर्ट लिखा है या आईडी कार्ड लिखा है, वो अगर आप दोनों में से कोई आपने लिखा है तो वो उसी से रिलेटेड पूछेगा। अगर आपने पासपोर्ट से रिलेटेड लिखा है तो वो पासपोर्ट से रिलेटेड पूछेगा, तो अगर आपने उसके रिलेटेड लिखा है आईडी कार्ड, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, तो उसके ज़रिए वो फिर वही पूछेगा, तो ये बड़ा इशू नहीं है। अच्छा यार, बाब अहमद, ग्रेट सर, बैंक स्टेटमेंट को वीडियो कॉल में देखते हैं क्या, अगर वो मोबाइल में हो तो फिर? और स्टेटमेंट कब की होनी चाहिए सर? बैंक स्टेटमेंट को वीडियो कॉल में देखते हैं जी, बिल्कुल सर, वीडियो कॉल में देखते हैं वो, बैंक स्टेटमेंट को आपको क्लोजली जाके दिखाना पड़ता है उनको,
तो अगर मोबाइल में हो तो वो नहीं चलेगी। आपके पास आपके हार्ड कॉपी में बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए बैठे हों। वो स्टेटमेंट 2 या 3 महीने से पुरानी हो चल जाती है यार, कोई बड़ा इशू नहीं है अरबाब। अच्छा, ये वसीम अफजल चंद साहब, इस वीडियो ने मेरी टेंशन दूर कर दी, थैंक यू। थैंक यू वसीम अफजल साहब। अरबाब अहमद ने दोबारा क्वेश्चन किया, आई अटैच मोबाइल 4G इंटरनेट हॉटस्पॉट लैपटॉप फॉर वीडियो इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन बट ऑफन वीडियो कॉल ड्रॉप, आई हैव टू रीशेड्यूल। भाई आप ये ना करो, आपने करना है तो वाईफाई कनेक्शन जिसमें अच्छे MB 6 MB का कनेक्शन हो तभी आप वीडियो कॉल करें। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में इंटरनेट का इशू बनता रहता है, ख़ासतौर पर मोबाइल्स पे, सिम्स पे, टावर्स पे। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो मेक श्योर करो कि वाईफाई कनेक्शन अवेलेबिलिटी है या उधर नहीं है। अच्छा, ये फन जोन, वीडियो कॉल जीमेल में हो गई या सेलर अकाउंट के पेज पर, प्लीज़ गाइड आफ्टर 2 डेज माई इंटरव्यू डेट। वीडियो कॉल जीमेल में होगी या सेलर अकाउंट के पेज पर? मैडम सर, ये वीडियो कॉल आपके सेलर सेंडर अकाउंट पे होगी, ईमेल पे नहीं होगी। थैंक यू। निमरा असलम, विच कार्ड यू हैव यूज्ड फॉर बिलिंग एड्रेस? आई यूज्ड मास्टर कार्ड फॉर बिलिंग एड्रेस, यू कैन ऑल्सो यूज दिस। अच्छा जी, उसके बाद है जी फैजी रोकी, वेयर इज़ इंटरव्यू? इंटरव्यू अमेजोन ने कैंसिल करवा दिया है फैजी, आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, थैंक यू। अच्छा, ये वकार रजा मीर, क्रेडिट कार्ड नहीं है, कोई इशू नहीं है अकाउंट बनाने में, या डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड अमेजोन विल नॉट अलाउ यू डेबिट कार्ड ब्रदर, तो डेबिट कार्ड नहीं होना चाहिए, मास्टर कार्ड या क्रेडिट कार्ड मस्ट रिक्वायरमेंट है उनकी, थैंक यू। मोहम्मद उस्मान प्रोडक्शन, अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही है इनवैलिड क्रेडिट, और इसके कैसे रिजोल्व कर सकते हैं? तो सर इनवैलिड क्रेडिट इसको यही ऐसे ही शो करते हैं, या तो आप अपना मास्टर कार्ड लगा लें या उसमें पैसे, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड कभी भी वो अलाउ नहीं करेंगे आपको, क्रेडिट और मास्टर कार्ड दोनों में से एक कार्ड आपका वो एक्सेप्ट करेंगे। मतलब सर शुक्रिया भाई इस वीडियो के लिए, थैंक यू असद। अच्छा जी, WK इंटरव्यू कहाँ है? इंटरव्यू उन्होंने कैंसिल करवा दिया, आप दोबारा वीडियो देखें जाके। MD तसव्वुर, हाय सर, आपकी वीडियो देखी, काफ़ी डाउट क्लियर हो गए हैं। अब मेरे अपॉइंटमेंट्स है 29 मार्च की, तो उसकी वीडियो कॉल कैसे करनी है? एडवाइस में यार सिंपल है, जाके उधर रजिस्टर करो अमेजोन सेलर सेंट्रल पे, अपने डॉक्यूमेंट सेंड करो, वो खुद ही आपको लिंक सेंड कर देंगे वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के लिए, दैट्स इट। इसमें कौन सी लॉजिक है? खुदा के बंदे सर, माई पासपोर्ट एंड ट्रांसफर वाइज स्टेटमेंट इज बीइंग रिजेक्टेड, प्लीज टेल मी द सॉल्यूशन। आपका पासपोर्ट भी रिजेक्टेड हो गया, स्टेटमेंट भी, वीज़ा स्टेटमेंट भी, वॉइस स्टेटमेंट भी रिजेक्टेड हो गया, तो आप देखें आपने क्या गलती की है, या तो आपके पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट स्पेलिंग में कोई गलती है, या फिर आपने कोई ना कोई मिस्टेक किया। अमेजोन ऐसे नहीं करता यार, सिंपली वो आपका अकाउंट ओपन कर देता है। आप पासपोर्ट पर आपका हो गया तो आप दोबारा ID कार्ड पर करके देखें, और स्टेटमेंट 2 या 3 महीने लाजमी होनी चाहिए और वैलिड होनी चाहिए। अच्छा जी, नौशीन रफीक, मेरा भी क्रेडिट कार्ड नहीं एक्सेप्ट हो रहा, क्या करना है? क्रेडिट कार्ड नहीं एक्सेप्ट हो रहा तो फिर कुछ दूसरा क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करके देखें, या मास्टर कार्ड है तो वो करके देखें, इट्स नॉट बिग डील। तो आप इन दोनों में से कोई मास्टर कार्ड या कोई और क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। कहाँ है सर मोहम्मद भाई? मैं इसका रिप्लाई कर चुका हूँ। ज़रियाब शकील भाई, अपना CNS उर्दू में पोस्ट किया था या इंग्लिश में? सर मेरा इंग्लिश में था, वो जो चिप वाला होता है, तो आप भी मेक श्योर करें कि आपके पास वही हो, अदरवाइज़ आप क्रेडिट कार्ड पे ना करें, आप पासपोर्ट के ज़रिए जाएं अपना अमेज़ोन अकाउंट ओपन करवाने के लिए। मलिक शाहजैन, सर ये बताएं कि इंटरव्यू उर्दू में होता है या इंग्लिश में? सर इंग्लिश में होता है, आपने कौन सा उधर कोई अपना एशियन बंदा बैठाया जो आपसे उर्दू में इंटरव्यू करेगा? तो इंग्लिश, तो जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश में ही होगा। हसन अली सर, इस वीडियो कॉल के लिए ID कार्ड होल्डर जिसका ID कार्ड यूज़ हुआ रजिस्ट्रेशन के दौरान, उसका खुद होना? जी बिल्कुल, उसका होना लाजमी, अदरवाइज अमेजोन आपको अलाउ नहीं करेगा कोई दूसरा बंदा। अगर आपका आप ही हो और आपका ही ID कार्ड हो तभी वो आपका अकाउंट ओपन करवाएंगे, थैंक यू। अच्छा जी, इरहान सद्दी सर, एक इशू आया है, बहुत रिसर्च कर ली, कहीं से मुझे नहीं आ रहा, प्लीज़ हेल्प कर दें। सर मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, मंडे को मेरा इंटरव्यू हो गया था, एसोसिएट में अप्रूव कर दिया था, लेकिन जैसे इंटरव्यू ख़त्म हुआ ये मैसेज आ रहा है साइन इन वाला डैशबोर्ड पर, यू रिक्वेस्टेड हैज़ बिन रिजेक्टेड।
we are unable to verify that the documents you provided. As a result, you may not sell on Amazon. You can't give you more information about this matter. तो यार ये भाई एलान सर जी, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई तजाद पाया गया, इसीलिए उन्होंने किया. लेकिन आजकल वो पाकिस्तान के बहुत से अकाउंट उन्होंने ख़त्म किए हैं अमेज़ोन ने इन दिनों में, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानियों की दो नंबरियों का वो इसी चक्रों में रहते हैं, किसी तरीके से दो नंबरी की जाए. तो इस सिलसिले में उन्होंने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन अब अलाउ कर दी है. हो सकता है दोबारा अमेज़ोन ब्लॉक कर दें पाकिस्तान में. तो अपने तजाद देखें कौन से अपने अकाउंट्स में कुछ ना कोई मसला है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता. देखिए अपनी बैंक स्टेटमेंट, उसमें कोई इशू है नहीं तो नहीं थी. क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपका अपना ही था किसी और, ये सारे आप देखें, बारीकी में जाएँ, आपको इलम हो जाएगा भाई. जब अकाउंट बैन बन जाएगा फिर $39 कट हो जाएंगे जी. बिल्कुल आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए. अकाउंट बनने के कुछ ही दिनों बाद ये पैसे कट जाएंगे. फॉर इंटरेस्ट फ्री और विल डिडक्ट $39. देखें जब आप काम को शुरू करेंगे वो हर मंथली $39 आपके कॉस्ट करेंगे. थैंक यू मोहम्मद नवीद. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूं कि सिर्फ मैं मी मनी इन्वेस्ट करूं और आपको प्रॉफिट मिले, मुझे मिले आपको उनका प्रॉफिट मुझे मिले, ये कैसे हो सकता है अमेज़ोन पे? तो मैं मनी इन्वेस्ट, तो भाई क्यों नहीं हो सकता? वर्चुअल असिस्टेंट लो आप, ठीक है, वो सारा काम आपका करेगा, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रॉफिट भी आपको आएगा, आपने उसमें से उसको सैलरी देनी है, तो सिंपल है. अच्छा, ऑपरेशन सेल ग्लोबल मूवर इंटरव्यू देखे का कहाँ है, लेकिन उसमें हेलो हेलो सर कैन यू हियर मी के बाद वो बंदा स्माइल दिखा के बस ख़त्म. इतना इंटरव्यू है तो बहुत ही ज़बरदस्त है. तो यार ऐसा कुछ नहीं है, इंटरव्यू सारा ही है. अब दोबारा वीडियो देखिए मैंने जो नहीं अपलोड की है. क्या उर्दू में सवाल जवाब हो सकता है सारे इंटरव्यू में? बिल्कुल नहीं हो सकता. देखें उन्होंने जो हायर किए हैं अपने एम्प्लॉय अमेज़ोन के, वो इंग्लिश लैंग्वेज ही जानते हैं. थैंक यू जी. राजेश कुमार आए हैं जी. सर स्टेटमेंट के प्रिंट निकाल के उसकी पिक निकाल के डॉक्यूमेंट्स में सबमिट करें. सर स्टेटमेंट के प्रिंट निकाल के उसकी पिक निकाल डॉक्यूमेंट जी, बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए, कोई दो राय नहीं है इसमें. तो बहुत से सवालों के मैंने जवाब दे दिए हैं आप सब के. मुझे उम्मीद है कि आप सब इन सवालों पे मुत्तफिक होंगे. अगर और आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में आ जाएं, उसका भी रिप्लाई आपको मिलेगा. तो थैंक यू फॉर आपने ये सारी वीडियो मेरी देखी है. अब मुझे उम्मीद है आपके सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो दूर हो गए होंगे, सारे तजाद दूर होंगे. तो थैंक यू. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, फिर आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें. तो दोबारा मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.